Hey guys, pranam and welcome to your channel Reaction Girl Moon. So guys, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सॉन्ग के साथ। तो गाइस, कुछ दिन से मैं देख रही थी, मुझे कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप खेसारी भैया का भतीजा के होली सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन कीजिए। तो गाइस, आज मैं फाइनली आ गई हूँ भतीजा के होली सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने के लिए। और उससे पहले गाइस, आप लोगों को मैं पहले ही एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है, फिर भी आप लोग मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो। कुछ फ्रेंड हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप लोग मुझे जिस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन करने के लिए बोलते हो, मैं हर एक सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करूँगी, हर एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूँगी। बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा बस टाइम चाहिए, बिकॉज एक दिन में मैं एक या दो वीडियो के ऊपर ही रिएक्ट कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, मैं हर एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूँगी, ठीक है। और आप लोग जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आप लोगों को वीडियो का टाइटल बता देती हूँ। तो गाइस, मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है भतीजा के होली, खेसारी लाल यादव अंतरा सिंह भोजपुरी होली सॉन्ग 2022। ओके, गाना गाइस एकदम धमाकेदार, एकदम बवाल गाना है। तो गाइस, सॉन्ग का जो सिंगर है वो है खेसारी लाल यादव एंड अंतरा सिंह प्रियंका। सॉन्ग का लिरिक्स कंपोज किया है अखिलेश कश्यप जी एंड मोनू साहू जी ने। एंड सॉन्ग का म्यूजिक कंपोज किया है छोटू रावत जी। ओके, लास्ट में जो बाकी है वो है फीचरिंग आई मीन फीट बाय सोना पांडे। ओके, तो गाइस ये गाना बहुत बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, मैं पहले इस सॉन्ग को सुन चुकी हूँ एंड वीडियो को भी मैं देखा, तो मतलब एकदम बवाल सॉन्ग है गाइस, इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। जल्दी से चले पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। बट उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साइड में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो साइड में जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना, तभी जाके आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये वॉइस कितना स्वीट है यार। के बोलता रे भीतर से बोलता ना बेटा, तीसरा लहर में भीतरी से मत अब हरी ना, तो फिर भीतर चल जीबे। अच्छा, मतलब रंग डालने से पेट में भी क्या कर रहा हो जाता है ये बताने का। अरे क्या म्यूजिक है। साइड में जो डांसर है ना, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। वो है फागुनी फीलिंग नहीं बुझला स्मरद साला हमारा सही फीलिंग का फीलिंग नहीं समझते भतीजा भीतर रोई ये भौजी तू तो बड़ा पगला
बनल नहीं खे ऐसे ते 9 महीना ना एक बार 21 महीना पे बाहर आओ चुपचाप डालो भितरिया अरे जा भतीजा के चक्कर में नतीजा क देलो। गाइस मतलब गाना ना एकदम एक नंबर का है, तो सॉरी गाइस मैं एक बात बोलना भूल गई थी, मतलब इस सॉन्ग को अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पर रिलीज किया गया है, आई थिंक 10-11 दिन पहले ही इस सॉन्ग को रिलीज किया गया था। मतलब गाइस बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है इस सॉन्ग को, 10-15 दिन के अंदर ही आई थिंक 12 या 13 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिला है इस सॉन्ग को, बहुत बहुत सारा लाइक्स मिला है, बहुत सारा कमेंट्स मिला है। एंड पर्सनली गाइस रियली ये जो सॉन्ग है ना पूरा डिफरेंट टाइप का है, एंड जो म्यूजिक है ना जब भी सुनती हूँ तो गाइस डांस करने का मन करता है मुझे, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब जो सॉन्ग का स्टोरी है ये वो देवर और भाभी का स्टोरी है, तो खेसारी भैया देवर जी है एंड भैया के साथ जो मैम है वो मतलब भाभी जी है, तो एक देवर भाभी का एक क्यूट सा स्टोरी है सॉन्ग के अंदर। ओवरऑल सॉन्ग का स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और सबसे तो मुझे मतलब अच्छी लगी ना वो बीच बीच में एक छोटा सा बच्चा का वॉइस था ना कि चाचा ए चाचा, जो वॉइस है ना वो मुझे बहुत क्यूट लगी गाइस। अब पता नहीं कि वो वॉइस किसका है, बट जिसका ही है ना गाइस बहुत ज़्यादा क्यूट है वॉइस। एंड सॉन्ग का जो लोकेशन है मतलब बैकग्राउंड में जो डांसर्स थे जो लोकेशन है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा ही था गाइस, बहुत सारा डांसर्स थे पीछे, मतलब खेसारी भैया एंड मैम के साथ पीछे जितना भी डांसर्स थे बहुत सारा डांसर्स थे, सबका ड्रेसअप डांस करने का स्टाइल और ओवरऑल सेटअप। एंड एक बार एक सीन में हुआ देखा खेसारी भैया और मैम एक मतलब वो स्विमिंग पूल टाइप का जैसे पोखर टाइप का रहता है उसके बीच में एक ऐसे मतलब बोट के ऊपर खड़ा होकर डांस कर रहे थे, पीछे दुपट्टा टाइप का था, तो वो सीन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी देख के, थोड़ा नया टाइप का है वो, तो ये सब मुझे मतलब पर्सनली मुझे बहुत, तो गाइस थोड़ा नया नया टाइप का सीन देखने को मिला इस वीडियो में तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। तो आप लोगों ने कितना एंजॉय किया देवर भाभी का ये नॉटी स्टोरी को वो मुझे जरूर आप लोग कमेंट में बताना, एंड मेरा रिएक्शन देख के आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक न्यू टॉपिक के साथ, ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।